संजय राणा जी, ये जो पूरा नैरेटिव है जो सेट किया जा रहा है, एक एक कहता है कि ये मुस्लिम लीग के प्रेमी हैं, दूसरा कहता है नहीं जी असली संबंध तो आरएसएस का, अपने पुराने लोगों का इनको याद आ रहा है जिनके असल में संबंध मुस्लिम लीग से हुआ करते थे, लेकिन कुल मिलाकर चुनावों से पहले एक बार फिर से वही मुस्लिम तुष्टिकरण की बात होने लगी है। एक बार फिर से बताने लगा है हर कोई कि कौन मुस्लिमों का ज्यादा सगा नजर आता है। चुनावी रैलियों में समझ में आता है, लेकिन इसका वोटर पर भी तो इम्पैक्ट पड़ता होगा, या उनको पता है कि नहीं जी ये तो सिर्फ चुनावी जुमले हैं, बस कहा जाता है, रैलियों में फिर छोड़ देते हैं। पूर्णिमा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग फेलो फ्रेंड्स। देखिए, दो तीन तथ्यों को रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे भ्रामक तरह से एक प्रचार किया गया है, जो इतिहास उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। जैसे बोला गया कि जो इंडियन मुस्लिम लीग है और इंडियन मुस्लिम लीग से अलग है, तो इनको मैं थोड़ा ज्ञान अर्जन करा देता हूँ इनका। देखिए, जो मोहम्मद इस्माइल थे और पोकर साहेब बहादुर, दो संस्थापक थे जो दूत कहे जाते थे साउथ के, उस जमाने में मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था, जिसके अंतर्गत तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट आते थे, उसके वो नेता थे। और जब 1945-46 में इलेक्शन हुआ था तो तकरीबन 28 सीट मुस्लिम लीग ने जीती थी, और उसके नेतृत्व करने वाले ये दो व्यक्ति थे। और ये दो व्यक्ति 1977 तक इस जो पार्लियामेंट है हमारी, इस पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो ये इतिहास का पहला सत्य है। दूसरा सत्य है, जब बोला जाता है कि क्या नाम है, मुखर्जी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उनके साथ सरकार बनाई थी, बिल्कुल अर्ध सत्य है। मैं सत्य बता देता हूं, मैं उसके बाद तथ्य पे आ जाऊंगा। 1941 में कृषक प्रजा पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी, उसके नेता हुआ कहते फजलुल हक, ठीक है, वो उसके नेता हुआ करते, तो उनमें और मुस्लिम लीग में मतभेद था, वो अलग पार्टी बनके सरकार बनी थी। उस सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी मंत्री थे। तो कृपया करके इतिहास को इतना मत तोड़े और लोगों को बरगलाना बंद कर दे। अब आते हैं आपके मुख्य प्रश्न पे, जो मैनिफेस्टो की बात है। देखिए, मैनिफेस्टो में तकरीबन 48 पेज का मैनिफेस्टो है और 344 उसमें वादे किए गए, इसमें न्याय की वादे किए जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको ध्यानपूर्वक विवरण सुनेंगे तो उसमें ऐसे लग रहा है कि मोदी विरोधी या सरकार की योजना है उसके विरुद्ध में काम हो रहा है, जैसे 370 हटा देना। मुस्लिम लीग की बात उन्होंने क्यों की? देखिए, ऐसा होता 370 हटा देना मुस्लिम आज फिर कहीं महाराष्ट्र, हाँ आज फिर से महाराष्ट्र, बिल्कुल। देखिए, ये क्यों ऐसा शब्द बोला जा रहा है उसको समझने की जरूरत है। आप अलग से एक पूरा मैनिफेस्टो है 48 पेज का, उसमें कोई भी पॉइंट आप कहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन माइनॉरिटीज के लिए अलग से एक तरह से पैराग्राफ या एक पेज रखा गया है, जिसके अंतर्गत वो तो कह रहे हैं ना अत्रे साहब की कोई तो हो जो माइनॉरिटीज, ये बताइए माइनॉरिटी कौन होता है? जो अल्पसंख्यक हो, देश का दूसरा बहुसंख्यक अल्पसंख्यक कैसे हो गया? ये बताइए, सिख हो सकता है, पारसी हो सकता है, जैन हो सकते हैं अल्पसंख्यक, ये कौन से अल्पसंख्यक है? और जब आत्रे साहब हमारे बड़े भाई हैं, हमारे मित्र हैं, जब बोलते हैं विदेश में एनआरआई रहते हैं, आपको मान्यवर पता होना चाहिए कि माइनॉरिटी कौन होता है, एनआरआई कौन होता है। और जो हम पढ़ने जाते हैं तो हमें क्या जब बोला जाता है, हम भी पढ़ने गए थे लेकिन वहां के सिटीजन नहीं हुआ करते थे, हम एक वीजा पे जाते हैं, 2-3 साल के एजुकेशन वीजा पे जाते हैं, वर्क वीजा पे जाते हैं, अलग अलग वीजा होता है। तो चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। और ये देखिए, अल्पसंख्यकों को सिर्फ वजीफा क्यों मिलेगा, यानी स्कॉलरशिप क्यों मिलेगी? सबको मिलनी चाहिए। एक वर्ग की राजनीति नहीं, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो होती है पूर्णिमा, वो सारे लोगों के लिए होती है, किसी वर्ग के लिए नहीं होती है। सबका साथ सबका विकास। ये बताइए, मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है, उसको माइनॉरिटी में आप क्यों रखते हो? सिख इस देश का नागरिक नहीं है, हिंदू इस देश का नागरिक नहीं। और सबसे बड़ी बात है, इनके तुष्टिकरण, तीन प्रश्न पे मैं आंसर लेना चाहूंगा, मैं आत्रे जी से उम्मीद करता हूं आंसर देंगे। इन्होंने क्या बोला है उसमें कि हम बहुसंख्यक के साथ नहीं है। आप बहुसंख्यक इस देश में कौन है? हिंदू, यानी आप हिंदू विरोधी है, नंबर वन। नंबर टू, आप बोलते हैं किसानों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। भाई, 2006 से लेकर 2014 तक आप सो रहे थे, आपने लागू नहीं किया। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, बोलते हैं जात पात से हट करके आपको वोट देना चाहिए और खुद कास्ट सेंसस कराएंगे। नंबर पांच, ये बोलते हैं कि 50% जो आरक्षण है उसको हम हटा देंगे, यानी आप जो आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट ने दायरा बनाया हुआ सवर्ण को हटा देंगे। आप ये बताइए, 1979 में केरला में मुस्लिम लीग के साथ समर्थन से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, सीपीआई की गवर्नमेंट बनी थी, और ये बताइए कि मुस्लिमों को 10% आरक्षण किस कानून के तहत दिया गया था? इसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति कर करके, और फिर चुनाव भी जीते, हाँ चुनाव भी जीते, तुष्टीकरण की राजनीति कर करके पूर्णिमा इन्होंने मुसलमानों का नुकसान किया है, मुसलमानों को सिवाय वोट बैंक के, और इन्होंने कुछ कभी समझा ही नहीं है। बताइए, किस मुसलमानों के साथ इन्होंने विकास किया, किस मुसलमान को प्रतिनिधित्व, या कांग्रेस या कोई पार्टी हो? ठीक है, हाजी नाजिम इसका जवाब दे पाएंगे, लेकिन उससे पहले विपिन शर्मा जी आपके पास आते हुए, जिस बात का जिक्र अभी खुद संजय जी ने किया, जितने भी बयान सामने आ रहे हैं, किसके लिए ये ज्यादा एस्टैब्लिश होता है? क्योंकि बयान दोनों तरफ से एक जैसे हैं, सनातन धर्म के प्रति शत्रुता, राष्ट्रीय अखंडता,
ये किसके बयान में विरोधाभासी, किसके स्टेटमेंट में ज्यादा नजर आता है? क्योंकि क्रेडिट पॉलिटिक्स की बात होती है तो दूसरी तरफ तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगते हैं, अल्पसंख्यकों के सगे होने के आरोप। इधर कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करती है तो प्रधानमंत्री मोदी हमला बोल लेते हैं तो उस पर पलटवार खड़गे कर देते हैं। पूर्णिमा जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं कुछ इस तरह से दूंगा कि देखिए, दोनों फैक्टर्स, विकास और धर्म आस्था, दोनों की अहमियत बरकरार रहने वाली है। हम लोग 21वीं सदी में है, 22वीं सदी में प्रवेश करेंगे, 23वीं सदी में जाएंगे, तब भी ये दोनों फैक्टर्स, विकास को भी तवज्जो मिलनी चाहिए, तब एक आम आदमी जो वोटर होता है वो संतुष्ट होगा। और वही बात है धर्म आस्था, तो यहां पर ये जग जाहिर है, ये नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं है कि जो दूसरों पे लांछन लगाते हैं। हम लोग पत्रकार हैं, निष्पक्ष होके मैं अपने विचार रखूंगा। और यहां पर एक बात जग जाहिर है, किसी को ये कोई समझाने की आवश्यकता नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, कि जो दूसरों पे आरोप लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि वो सांप्रदायिक है, उनको खुद भी गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है कि यहां पर वो लोग क्या करते आए हैं इतने वर्षों से, जब सत्ता में काबिज थे, आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। वही तो पूछ रही हूं विपिन जी, क्या करते आए हैं, वही तो पूछ रही हूं कि क्या करते आए हैं। इतिहास के झरोके से ये तो समझना होगा ना किसकी पॉलिटिक्स किस पर आधारित रही है, फिर से क्योंकि चुनाव है, बेस वही। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पहल करी थी, अनोखी पहल थी वो, प्रशंसनीय, उन्होंने बोला मदरसों को हम मेन स्ट्रीम में लेके आते हैं, हाईटेक कर देते हैं, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, बहुत अच्छी बात थी। वहां पर भी उस बात का विरोध हुआ, तो यहां पर इसका जब, और जब राशन देने की बारी आई, क्या कोई मतभेद हुए थे, किसी तरह का भेदभाव हुआ? नहीं हुआ, वहां पर किसी का धर्म देखकर नहीं करा गया। लेकिन यहां पर अगर आप, अगर ये भाजपा आरोप लगा रही है या माननीय प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे, उनके संकल्प पत्र को देखकर कि वहां पर मुस्लिम लीग की छाप नजर आ रही है, मैं उस पे अपने विचार रखूंगा। वहां पर क्या तुलना करी जा रही है कि वाम दलों की राह पे कांग्रेस चल पड़ी है, केरला का उदाहरण है सामने कि वहां पर कहां ऐसे देखा जाता है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इस्लामिक बैंक, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है? ये देश सबका है, हम लोग सर्वधर्म सम्मान करने वाला मुल्क है, ये वही देश है जहां पर फूलवालों की सैर निकालने की रिवायत है। मैं अपने जो फेलो पैनलिस्ट यहां पर बैठे हुए हैं उनकी जानकारी के लिए और आपके सम्मानित दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, मुझे बड़ा नाज, बड़ा फक्र महसूस होता है कि यहां पर जो फूलवालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एक तरह सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है, कभी आप योग माया देवी मंदिर जाए मेहरोली में, वहां पर आपको वो झंडा दिखाई देगा। तो यानी कि इसका मतलब है हम लोग गंगा जमनी तहजीब वाले लोग हैं, तो ये कौन बांट रहा है? और यहां पर मैं वो बात बोलूंगा जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने बोला था, उन्होंने जब अपने दौरे पे आए थे हिंदुस्तान, उन्होंने जब ताज महल की खूबसूरती को निहारा, उसके बाद उन्होंने बोला दुनिया दो फाड़ में बटी है, एक जो ताज महल की खूबसूरती को निहार चुके हैं और एक जो वंचित रह गए हैं। वही बात नरेंद्र मोदी पे लागू होती है, दो फाड़ कि यहां पर देश की आवाम जो उनसे प्रेम करती है उनका समर्थन करती है और एक जो नफरत करती है। तो यहां पर विषय ये है कि यहां पर लोकतंत्र का जो महापर्व है जो दस्तक दे रहा है और जिसकी बहुत अहमियत है, यहां पर उम्मीद ये करी जाती है कि स्वर्णिम इतिहास वाली पार्टी, मेरे मित्र हैं अनुज भाई, मैं ये जानकारी के लिए बोलना चाहूंगा, स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी, बड़े महानुभाव दिए, लेकिन आज कांग्रेस ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर उनको अच्छे सलाहकारों की आवश्यकता है, ठीक है सर, पॉइंट जो उनको दिशा दिखाए, पॉइंट टेकन।